आप सब लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था इस टाइम पे। तो आज मैं जा रही हूँ जीवीयू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में। गाइस आज मैं आ गई हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए, जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हूँ अभी पे बोटैनिकल गार्डन मेट्रो, और यहाँ से हम कैसे जाएंगे जीवीयू मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, और जीवीयू कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है जीवीयू के बारे में कि कैसा है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और अपने यूपी स्टेट की तो बहुत ही ज़्यादा, एरिया वाइज तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं आज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे क्या जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। मैं जाऊँगी कैब से क्योंकि उतना ही पड़ रहा है, और वैसे आप यहाँ से बस करके भी जा सकते हो। बोटैनिकल गार्डन से आपको बस मिलेगी परी चौक तक के लिए। परी चौक आपको जाना पड़ेगा बाय बस, उसके बाद आपको ऑटो बदलने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगी, लेकिन अभी तो मैं कैब से जा रही हूँ। तो हम कैब से आपको पूरा मतलब दिखाते हैं कि कैसे मैं जाऊँगी और क्या क्या है जीवीयू में। सुन बहुत रखा है तो एक बार देखो। तो गाइज मैंने कैब कर ली है और मैं कैब में हूँ ऑलरेडी, जा रहे हैं जीवीयू। अब मैं आपको बताने वाली थी बस का कन्वेंस वगैरह भी और कैसे क्या जाएंगे। तो अगर आप बोटैनिकल आते हैं और आप वहाँ से जाते हैं जीवीयू के लिए, तो आपको वहाँ से बस करनी है, सिंपल बस करनी है आपको परी चौक के लिए। बस आपको मिल जाएगी नॉर्मल, जो बस होगी वो 30 रुपये आपको फेयर चार्ज करेगी, एंड आपका जो एसी बस अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपको 50 रुपये के अप्रोक्स पड़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परी चौक आपको पहुँच के ऑटो लेना है परी चौक से कासना के लिए, एंड कासना से आपको फिर ऑटो लेना है, वो आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पहुँचाएगा। तो आपको ये तीन प्रोसेस करने हैं, तीन चेंज करने। इससे अच्छा है कि आप अगर आपको सामान वगैरह, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो या आप कॉलेज में जा रहे हो, ऐसे घूमने जा रहे हो, आप फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप कैब कर सकते हो सीधा बोटैनिकल से जीवीयू के लिए, वो ज़्यादा कन्वेंसफुल रहेगा क्योंकि उसमें क्या है आपको 300 और 350 अगर आपके पास कूपन है तो और भी सस्ता पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा क्या है। तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, मुझे भी वही अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए प्रेफर कर लिया, ठीक है। तो अब हम जीवीयू जाएंगे, जीवीयू को देखेंगे कैसा जीवीयू, बहुत सुन रखा है तो आज देख लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको वहाँ पे जाके मैं और भी डिटेल्स बताऊँगी जीवीयू के बारे में, वो मुझे भी नहीं पता, वहाँ पता चलेगा जाके। तो चलिए मेरे साथ। चुकी हूँ जीवीयू, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज शायद पेरेंट्स आ रहे हैं, 25 अक्टूबर है। मैं जीवीयू आ चुकी हूँ, देख रही हूँ बहुत सारा भीड़ है। अब चलेंगे यहाँ से, देखते हैं क्या करना है, कहाँ पे कैसे जाएंगे। और अभी मैं हूँ यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुछ करके ये बिल्डिंग है, और मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ एक बिल्डिंग को। धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा, हमें जा रही हो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहीं पे जा रही हूँ, जा क्या रही हूँ, मतलब मैं ऐसी टहल रही हूँ अभी, देख रही हूँ क्या क्या है जीवीयू में, इतना ज़्यादा सुन रखा है, इतनी बड़ी, मैं तो सच में कंफ्यूज हो गई हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, लग ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दे आपको दिखा देते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशासनिक भवन, ओके प्रशासनिक भवन मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसमें क्या है, ये हमारे एरिया वाइज शायद पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आती है। तो गाइज ये देखो, ये जो है, ये है प्रशासनिक भवन, यहाँ पे ये मेन गेट है, और इसके बाद ये है एक प्यारा सा व्यू, स्विमिंग पूल है, मतलब एक शो पीस वाला,
जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये स्टैचूज़ बने हुए हैं, मैं आप इनको जूम करती हूँ, ये देखिए स्टैचूज़ हैं, बहुत अच्छे हैं ये। और किस किस के बने, ये बुद्धा स्ट्रीम्स, एक्चुअली गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे लोग आते हैं बाहर बाहर से, मतलब नेपालियन और सिक्किम साइड से, गौतम बुद्ध मतलब गौतम आप नाम समझ सकते हो, गौतम बुद्ध जी जो हैं उनके लिए यहाँ पे लोग मतलब स्टडी करने आते हैं, उन पर रिसर्च करने के लिए आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आते हैं। और एजुकेशनल के लिए तो है ही ये फेमस। और बाकी आप देख रहे हो कि हाँ यूनिवर्सिटी, मतलब आज तो आपको भीड़ मिल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज आए हुए हैं बच्चे, फैमिलीज, आज पेरेंट्स, एक्चुअली पेरेंट्स आए हैं बच्चों के, क्योंकि इतने दिनों बाद कॉलेज खुलना शुरू हुए हैं, तो इसलिए अब पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो ये तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात हो गई है, यहाँ पे अभी मेन गेट से जा सकते हैं। और बाकी पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, पूरा एरिया फुल उससे भरा हुआ है। गाइज मैंने आपको जीवीयू तो दिखा दिया है, मतलब ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखा दिया है जहाँ पे एडमिशन्स वगैरह होते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी जीवीयू के लिए, एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, यूट्यूब वगैरह पे देखा था, तो मुझे पता चला वहाँ पे कि जो यहाँ का फ़ीस, मतलब जैसे कि सुन रखा है कि गवर्नमेंट है, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो फ़ीस कम होगी, लेकिन उस हिसाब से यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सबके अपने अपने बजट के ऊपर होता है, तो मैं किसी चीज़ के लिए ऐसा फोर्स नहीं करूँगी, तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना तरीका है, तो किसी को कम लगेगी, किसी को ज़्यादा लगेगी। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब सरकारी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ी सी कम फीस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फीस है जिस हिसाब से गवर्नमेंट है। और बाकी ये है बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको आप, मुझे नहीं लगता एक दिन में तो कभी कोई देख ही पाएगा, इतना ज़्यादा एरिया वाइज है। और मैं मेन मेन एरियाज़ आपको दिखा देती हूँ जो कि जीवीयू के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और जीवीयू आ गई हूँ मैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से सबको ही काम पड़ता है, इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया। अंदर जाके गेट नंबर 2 से एंट्री की है मैंने, और गेट नंबर 2 के नियर बाई पड़ता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक अगर जैसे ही आप आते हो, एंट्री करते हो, तो गेट नंबर 2 से करना अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाना है, ठीक है, ब्लॉक जाने, ये ब्लॉक बोल रहे। तो बाकी अभी हम और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। शांति सरोवर गाइस, देखिए आप, आपकी नज़र आ रही होगी, आप इसको देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, 511 एकड़ में फैली हुई है। और माननीय जी हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी ने इसको बनवाया था, 2008 से ये एग्जिस्टेंस है इसका, पहला मतलब जो कह सकते हो आप एडमिशन्स होना स्टार्ट हो गए थे, बच्चे यहाँ पे आ गए थे 2008 से, अभी 2021 चल रहा है, लाइक 13 ईयर्स हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को पूरे, एंड बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताना चाहूँगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने अभी पढ़े हैं। तो पहला तो ये है कि गौतम की जो खासियत है वो ये है कि ये एरिया वाइज वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है, वो कि इसकी जो टोटल एरिया है वो 511 एकड़ है, आप बिलीव करेंगे 511 एकड़ इसकी एरिया है। और इसको अब हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी ने बनवाया था, मायावती जी ने, और उसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। मैं पर्सनली एक बार आई थी यहाँ पे शूट के लिए, तो यहाँ पे मूवीज़ लाइक सत्यमेव जयते आपने देखी होगी, तो उसमें भी यहाँ का सीन है, और यहाँ पे शूटिंग्स होती रहती हैं मोस्टली। हवाई
ये देखो ये है मानसरोवर बोलती हूँ, ये है पूरा आपका शांति सरोवर। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये जूम ये है, एंड ये देखिए पूरा सरोवर का पानी। तो ये हो गया हमारा शांति सरोवर, मैंने आपको दिखा दिया है। ये बहुत ही प्यारी जगह है, इतना सुंदर लग रहा है। और अब चलते हैं आगे, कुछ और दिखता है अगर तो वो भी दिखा देंगे। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, शांति सरोवर इतना सुंदर है। और पानी वाली चीज़ें तो वैसे ही पसंद है मुझे। आप लोगों को भी कैसे, मतलब पानी वाली चीज़ें कैसी पसंद है नहीं है वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जीवीयू के स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पे अपने फोटोज पिक्चर्स वगैरह के लिए आते हैं, और ये बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड है। ये देखो यहाँ से भी आपको शांति सरोवर दिखेगा। ये उस कॉर्नर से, पहले मैं उस कॉर्नर पे थी, अब मैं इस कॉर्नर पे हूँ। ये देखिए गाइस, ये गौतम बुद्ध जी की स्टैचू, एंड ये है मायावती जी की, और ये जो है वो हमारे B.R. अम्बेडकर जी की है, और ये मैं रही हूँ मूर्ति के सामने, और ये सामने सरोवर रहा है। गाइज ये जो है इसके पीछे आप देख पा रहे हो, ये है यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तकालय, और यहाँ पे ये रहा आपका इंजीनियर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको स्टडीज़ के लिए आप सोच रहे होगे क्या क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर सकते हो ऑल स्ट्रीम से, लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स से आप कर सकते हो। बहुत सारी आपको मिल जाएंगे स्ट्रीम्स की, आपको क्या करना है किससे करना है। गई हूँ, ये वर्कशॉप प्लेस है, और यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं इंजीनियर्स वगैरह स्टूडेंट्स की। एंड ये जो है ये है स्टेडियम, ये फुटबॉल स्टेडियम है, इसके आगे क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें क्या होता है, ये अभी मेरे को पता चला कि अफगानिस्तान टीम के प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम भी है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। आपको मैं बाहर से दिखा देती हूँ। शरण दास छात्रावास, बॉयज़ हॉस्टल है, मैं इधर आ गई हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये है ड्रामा से रिलेटेड, जो भी थिएटर आर्टिस्ट वगैरह इस कॉलेज की तरफ से मिलते हैं तो वो है। ये आपका प्लेइंग के लिए है। ये रहा हॉस्टल का मेन गेट, और ये है जो ग्राउंड है, ये लॉन टेनिस नाम से है। आज बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि आज 25th of October है। हाँ, हॉस्टल्स आज अलॉट किए जा रहे हैं, आज खुल रहे हैं सारे हॉस्टल्स, इसीलिए भीड़ है थोड़ी सी। मैं आपको वही दिखा रही हूँ। गाइस ये है GBU का शॉपिंग, GBU शॉपिंग सेंटर, यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, खा सकते हो। ये आगे इधर ये मदर डेयरी है इसके पीछे, और यहाँ से आप दूध वगैरह भी, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह के लिए बहुत सारी सर्विसेज दे रखी हैं। और ये पूरा शॉपिंग का है, इधर खाने के लिए भी एरियाज हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी क्या क्या है कैसा है, बाहर से दिखा देती हूँ। ये देखिए शॉपिंग सेंटर, यहाँ से आपका पूरा खाने का आइटम शुरू हो जाता है, पूरी सारी शॉप्स हैं।
जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं सब मिल जाएंगी यहाँ। पेन पेंसिल ये पूरा खाने का है। और ये देखिए लोग खा रहे हैं। ये ATMs हैं, उधर बैंक थी पंजाब नेशनल। ये नोटबुक्स पेन के लिए शॉप है। आगे भी स्टेशनरी शॉप्स हैं, जूस कॉर्नर है, फास्ट फूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा शॉपिंग सेंटर रहा। तो ये रहा हमारा GBU का आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करते रहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी। मैं आई हूँ इतनी दूर तक तो GBU के लिए, तो देखना ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय।